अस्सलाम वालेकुम, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यूनिट नंबर 6 वाटर। इस यूनिट के अंदर हम वाटर के से रिलेटेड जो है वो सारी डिटेल आपको बताएंगे। तो पहले हम बात करते हैं, वाटर जो है एक जो है केमिकल सब्सटेंस है या पोलर सॉल्वेंट है, यानी कि हर जो एलिमेंट है या सब्सटेंस है उसके साथ इजीली डिसॉल्व हो जाता है। दूसरा, वाटर की कंपोजिशन क्या है, कैसे बना है, तो ये जो है वो आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा है पेज नंबर 53 पे। एक ऑक्सीजन एटम और दो हाइड्रोजन एटम के कम्बिनेशन से जो है वो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो बना है। इसका जो फार्मूला है, केमिकल फार्मूला, वो है H2O, यानी दो हाइड्रोजन एटम है तो नीचे आपको ये 2 नज़र आ रहा है, और ये दोनों जो अल्फ़ाबेट्स हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों जो है वो कैपिटल फॉर्म में लिखे गए हैं। अच्छा, जो रेन वाटर होता है सबसे प्योरेस्ट फॉर्म में मौजूद होता है, क्योंकि जैसे ही ये जो है वो नीचे आता है ज़मीन पे हवा के थ्रू, तो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड भी इसमें शामिल हो जाती है, और फिर जब ये ज़मीन पे आता है तो इसमें मज़ीद इम्प्योरिटीज़ वगैरह भी एंटर हो जाती हैं। तो रेन वाटर इज़ द प्योर एज़ कम्पेयर टू द जो हमारा लैंड वाटर है उससे। ठीक है जनाब, अब हम बात करते हैं कि जो है के वाटर साइकिल क्या होती है। पेज नंबर 47 पे आपके वाटर साइकिल दी हुई है, जो मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से है। ज़ाहिर है हमने ये चैप्टर पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि वाटर साइकिल में क्या है। तो पेज नंबर 47 पे देखिएगा, ये अलग यूनिट है लेकिन एक्सप्लेनेशन में इंक्लूड है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर देखिएगा, ये सनलाइट आ रही है जो कि समंदर पे पड़ रही है, जिसकी वजह से वाटर लिक्विड स्टेट से चेंज हो रहा है गैस स्टेट में, यानी कि वेपर्स की फॉर्म में। देन इट गोज़ टू द क्लाउड, यानी जो क्लाउड की फॉर्मेशन है वो जो है वो इन्हीं जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं उनसे बनते हैं क्लाउड्स। ये याद रखिएगा कि क्लाउड्स जो हैं वो कैसे बनते हैं, जब जो है वो समंदर का पानी लिक्विड से सॉलिड स्टेट में चेंज होता है बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट, तो ये क्या बनाते हैं, बादल बनाते हैं। और इन बादलों के अंदर जो बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स होते हैं वो वापस रेन की बारिश की सूरत में जो है वो ज़मीन पे जो है वो पानी बरसाते हैं। ठीक है, अब हम अपने एक्चुअल टॉपिक की तरफ आ जाते हैं, जो कि हमारा एक्चुअल टॉपिक है। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वाटर की, वो मैं डिस्कस कर देती हूँ आपसे। इसका कोई टीएस कलर वगैरह नहीं होता, फ्रीज 0 सेंटीग्रेड पे होता है, 100 सेंटीग्रेड पे बॉयल हो जाता है। बैड कंडक्टर है, यानी कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, हर सब्सटेंस के साथ इजीली रिजॉल्व हो जाता है और मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है।